हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में उधम सिंह नगर जिले में चुनाव कराना पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। चुनाव आयोग और प्रशासन के बीच जनपद पर खास नजर रहेगी। यही वजह है कि चुनाव में अधिकारियों के फेरबदल भी किए जा रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि उधम सिंह नगर में सबसे अधिक अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ है, जिस पर चुनाव के दौरान प्रशासन और चुनाव आयोग को भी खतरा लग रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के 13 जिलों में सबसे महत्वपूर्ण जिला चुनाव आयोग के लिए उधम सिंह नगर रहने वाला है, क्योंकि प्रशासन की जानकारी के अनुसार यही सबसे अधिक चुनाव में गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। प्रशासन के होमवर्क के अनुसार इस जिले में 400 से अधिक अति संवेदनशील और 300 से अधिक संवेदनशील बूथ हैं, जबकि कुल बूथों की संख्या 1465 है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की क्या स्थिति है? अभी तक करीबन 300 प्लस हमारे पास वल्नरेबल बूथ्स हैं और करीबन 400 के आसपास क्रिटिकल बूथ्स हैं, और ये वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकल बूथ्स होते हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है जैसे जैसे निर्वाचन नज़दीक आएगा और जैसे जैसे कैंडिडेट फाइनल होते जाएंगे, तो उसी हिसाब से इसकी वल्नरेबिलिटी चेंज होती है। हमारे जनपद में 1465 निर्वाचन बूथ हैं और कुछ हमारे ऐसे बूथ हैं जिनमें 1250 से ज़्यादा मतदाता हैं, तो इनमें करीबन 23 ऑक्सिलरी बूथ हम बना रहे हैं। तो इतने ही हमारे पीठासीन अधिकारी और PO1 PO2 PO3 अपॉइंट किए जा रहे हैं, और 10% का हम रिजर्व रख रहे हैं ताकि अगर मानो किसी का स्वास्थ्य खराब होता है या कोविड इन्फेक्शन होता है तो हमारी मतदाता की जो मतदान टीम है वो पूरी की पूरी बनी रहे। जिले में करीबन 12,97,000 के आसपास मतदाता हैं और करीबन 6,000 के आसपास सर्विस वोटर हैं। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।